एक ऐसा देश जहां एक साल में 13 महीने होते हैं और एक ऐसा देश जहां की एक लड़की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी बटन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 6, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? आप में से काफी सारे लोग किसी अमेरिकी के बारे में जानते होंगे। ईमेल का आविष्कार किसी अमेरिकी ने नहीं बल्कि एक 14 वर्षीय भारतीय बालक जिसका नाम शिव अयादुरई ने 1978 में किया था। और दुख की बात यह है कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी टाइटैनिक की आखिरी तस्वीर को देखा है? अभी आप अपने स्क्रीन पर जिस इमेज को देख रहे हैं वो 12 अप्रैल 1912 में आयरलैंड से खींचा हुआ टाइटैनिक की आखिरी तस्वीर है। फैक्ट नंबर 4, वियतनाम के हिनोई में स्थित द डॉलेस हिनोई गोल्डन लेक होटल दुनिया का सबसे पहला सोने से बना होटल है जिसे बनने में लगभग 11 साल लगे। इस होटल में 25 फ्लोरों में कुल 400 कमरे हैं और इस होटल में ट्यूब से लेकर टॉयलेट और पूल लॉबी छत से लेकर लिफ्ट तक हर चीज पर सोने की परत चढ़ाई गई है। यहाँ एक रात रुकने में 18,600 रुपए किराया देना पड़ता। फैक्ट नंबर 3, इंडोनेशिया में स्थित पाहा आइजेन नाम की ज्वालामुखी दुनिया की एकलौती ऐसी ज्वालामुखी है जिसका लावा का रंग नीला है। रात के समय इस ज्वालामुखी के ऊपर नीले रंग का एक अद्भुत प्रकाश चमकता है। ये बेहद ही सुंदर लगता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इसके भीतर मौजूद सल्फ्यूरिक गैस है जो हर समय लावा के साथ जलता रहता है। दैट्स ब्यूटीफुल। फैक्ट नंबर 2, आप में से काफी सारे लोग नायक फिल्म तो देखे ही होंगे और जिस तरह अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था उसी तरह फिनलैंड में मात्र 16 वर्ष की एवा मुरोटो जो कि ह्यूमन राइट के लिए बड़े बड़े अभियान चला चुकी है उनके काम को अप्रिशिएट कर वहाँ की सरकार ने इस बच्ची को एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बच्चों के अच्छे कामों की सराहना करने का ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा। अब आती है फैक्ट नंबर 1 की बारी। इससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अफ्रीका में साउथ इथियोपिया नाम का एक ऐसा देश है जहाँ एक साल में 13 महीने होते हैं और एक सप्ते में 5 दिन होते हैं क्योंकि वहाँ पर अलग तरह के कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है और इस देश का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चलता है। यहाँ नया साल 1 जनवरी की जगह 11 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।